Hello students, today we are going to deal with effective communication. पिछले लेक्चर्स में हमने डील किया था डिटेल में कि कम्युनिकेशन क्या है, उसके कितने तरीके हैं. आज हम चर्चा करेंगे कि बेहतरीन कम्युनिकेशन क्या है, क्योंकि सबको सभी लोग नहीं सुनते हैं. कुछ ही ऐसे वक्ता होते हैं, कुछ ही ऐसे राइटर्स होते हैं जिनको सभी लोग ध्यान से सुनते हैं या फॉलो करते हैं. तो आखिर वो क्या क्या सी बारीकियां हैं, क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कम्युनिकेशन में जिन्हें कोई भी ध्यान से सुने, फॉलो करे और अमल करे. तो सबसे पहला जो लक्ष्य होता है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का, ऑडियंस एंड द गोल, यानी जो सेंडर होते हैं मैसेज के, उन्हें ये अनुभव होना अति आवश्यक है, जानकारी होना, ताकि जब वो कोई मैसेज सेंड कर रहे हों तो उन्हें इस बात की बखूबी जानकारी होनी चाहिए कि वो किन्हें भेज रहे हैं, जो रिसीवर हैं उनकी योग्यता क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनकी मेंटेलिटी क्या है. ठीक है, तो ऐसे कई सारी टैबूज आएंगे जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए बहुत बड़ा बैरियर होता है. उन चीज़ों को ओवरकम करने की ज़रूरत है, उस पर काबू प्राप्त करने की ज़रूरत है जब हम मैसेज कोई कन्वे करते हैं या फिर हम कुछ लिखते हैं. तो सेंडर को सबसे पहले जो ज्ञान होना चाहिए वो होना चाहिए सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस, यानी उसका विषय वस्तु क्या है, किस चीज़ पर वो अपनी बात कहने जा रहा है. जब कोई सेमिनार्स वगैरह होते हैं तो सभी प्रोफेशनल्स उस सेमिनार्स में भाग लेते हैं. जो स्पीकर होता है उसे पता होता है कि जो लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए हैं उन्हें क्यों यहाँ पर बुलाया गया है या क्यों यहाँ एकत्रित हुए हैं, उन्हें उस विषय वस्तु की जानकारी होती है. तभी जब वो स्पीकर कुछ बोलता है तो वो ग्रास्प कर पाते हैं, वो समझ पाते हैं और फिर अमल कर पाते हैं. तो ये बहुत ज़रूरी है कि एक सेंडर में सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस होनी चाहिए. कॉम्पिटेंस का मतलब होता है योग्यता, समझ, पकड़, क्षमता. ठीक है, फिर लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. लिंग्विस्टिक, इस पर थोड़ी चर्चा कर लें. लिंग्विस्टिक्स का मतलब होता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस, चाहे कोई भी भाषा हो उसका एक साइंटिफिक अध्ययन होता है, स्टडीज होती है कि आखिर वो कैसे काम करता है, उसका स्ट्रक्चर होता है, उसका सिंटैक्स होता है और सबसे बड़ी बात शब्दों का चयन, चॉइस ऑफ द वर्ड, चूजिंग द राइट वर्ड एट अप्रोप्रिएट प्लेस. एंड अबव ऑल सबसे ज़रूरी बात जो है कि जहाँ साधारण शब्दों के इस्तेमाल से अपनी बातों को बहुत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है वहाँ कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स को बिल्कुल अवॉइड किया जाना चाहिए, उसका इस्तेमाल कतई ना करें. जहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट हो, संदेह क्रिएट हो या एम्बिग्यूटी हो, चूँकि अलग अलग जो रिसीवर होते हैं वो एक ही वाक्य का, एक ही शब्द के कई अलग अलग मायने निकालते हैं. अगर वो पॉजिटिव है तो हो सकता है पॉजिटिव निकालें, अगर नेगेटिव माइंडेड है तो नेगेटिव निकालेंगे. इसलिए शब्दों का चयन, मीन्स कॉम्पिटेंस ऑफ लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई होप यू अंडरस्टैंड. ठीक है, और अंतिम जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्पिटेंस, यानी जिस ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं या जिस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं उसकी कितनी समझ है, उसमें कैसी भाषा की ज़रूरत है, कैसे मैसेज कन्वे करने की ज़रूरत है, किस कुशलता की ज़रूरत है, इन सब चीज़ों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है. तो इन्हीं तीन चीज़ों को लेकर हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि व्हाट आर द बैरियर्स इन कम्युनिकेशंस. बैरियर्स का मतलब होता है बाधाएँ, समस्याएँ जो एक बढ़िया कम्युनिकेशन स्थापित नहीं कर पाता है. उसकी क्या क्या समस्याएँ हैं, पहला जो है वो इम्प्रॉपर लैंग्वेज. अगर भाषा असंयमित है
सटीक नहीं है, योग्य नहीं है, तो फिर वो एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है और वो डिस्ट्रैक्शन ला सकता है। सो द स्पीकर और द सेंडर मस्ट बी वेरी मच कॉम्पिटेंट इन द लैंग्वेज ही और शी राइट्स और स्पीक। प्रॉपर होनी चाहिए, सटीक होनी चाहिए, बॉम्बेस्टिक नहीं होनी चाहिए, पढ़ा चढ़ा कर यूं ही। दूसरी जो समस्याएं खड़ी होती हैं वो है मिसअंडरस्टैंडिंग। यस, यानी अगर सेंडर सही भाषा का इस्तेमाल नहीं करता है या कोई रिसीवर जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते वो उसका अलग मायने निकाल सकता है, जिससे भी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं और जो गोल है, जो लक्ष्य है मैसेज का, वो वहाँ पर डिस्टर्ब हो सकता है। डिस्ट्रैक्शन यानी अगर व्यक्ति जो सेंडर है मैसेज का, अगर उसका ध्यान डिस्ट्रैक्टेड है, परेशान है, यानी वो फोकस्ड नहीं है, उसकी स्थिरता नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, मेंटल स्टेबिलिटी नहीं है, तो फिर उसका जो मैसेज कन्वे करने का जो गोल है वो अपने पथ से विचलित हो सकता है, उसका लक्ष्य बेकार हो सकता है, फिर यहाँ समस्याएं खड़ी होंगी। यानी कुल मिलाकर क्या है कि एक संस्था को चलाने के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए संगठन, सामंजस्य स्थापित करना बहुत ज़रूरी है, और उसमें सबसे पहला और बेहतरीन रोल जो होता है वो भाषा की होती है। यानी किसी भी व्यक्ति की पहचान हम उसकी भाषा से लगा सकते हैं और कर सकते हैं कि उस व्यक्ति का व्यक्तित्व आखिर क्या होगा। मीठी बोली, सिंपल भाषा, आकर्षक भाषा, उसी से उसके व्यक्तित्व का पता चलता है। क्योंकि अगर फूहड़ भाषा इस्तेमाल करता है तो उसके व्यक्तित्व में ही वो फूहड़ता होती है, इसी वजह से वो फूहड़ भाषा इस्तेमाल में आता है, उसके जहन पे आता है। लेकिन अगर बहुत गहराई है, गंभीरता है, तो उसमें वो सौम्यता आएगी भाषा में। और भाषा सबसे पहले आकर्षण का कारण होता है, किसी व्यक्ति से भी अगर खिंचाव होता है, आकर्षण होता है, तो वो कुशल भाषा होती है। ठीक है, तो डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए सेंडर्स में। अगला जो है इमोशनल टैबूज। अगर इमोशनली वो डिस्टर्ब्ड है तो वहाँ फिर समस्याएं हो सकती है, वही बात होगी, जो वो कन्वे करना चाह रहा है वो नहीं कर पाएगा। तो इमोशन वहाँ पर आरे नहीं आने चाहिए, बिल्कुल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, तब वो सही कन्वेंस होगा। प्रेजुडाइज एंड नेगेटिविटी, कई बार होता है कि मैसेज कुछ कन्वे किया जाता है और जो रिसीवर है वो पक्षपात करने वाले हैं, नेगेटिव माइंडेड हैं, तो वो क्या करेंगे कि उन शब्दों के, उन वाक्यों को तोड़ मरोड़ कर और उसके नेगेटिव, नकारात्मक अर्थ निकाल के और एक नया बखेरा शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर भी गोल धूमिल हो सकती है। तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ये जो बैरियर्स हैं इनसे छुटकारा पाने के लिए। कल्चरल डिफरेंसेस भी होते हैं, जैसे कल्चर में परिवर्तन होता है तो वहाँ भोजन की शैली में परिवर्तन हो जाता है, रहन सहन में परिवर्तन हो जाता है, भाषा में परिवर्तन हो जाती है। तो कल्चर बहुत मायने रखता है किसी भी संस्था के लिए, किसी भी संगठन के लिए, कि एक कल्चरल माहौल हो जो समानता का संकेत दे, समानता का उदय हो। तो ये सब बैरियर्स आ सकते हैं। अगर कोई दूसरे कल्चर का है तो वो उस चीज़ को ज़्यादा वैल्यू देगा और अन्य के कल्चर को वैल्यू नहीं देगा, तो यहाँ पर भी भाषा में प्रॉब्लम आ सकती है और मैसेज का जो लक्ष्य है वो ख़त्म हो सकता है। अगला है डिफरेंस इन ओपिनियन। अगर ओपिनियन में डिफरेंसेज होते हैं तो सबसे पहला कारण होता है मैसेज कन्वे करने का गोल। उचित और सही चित से अगर मैसेज कन्वे नहीं किया गया हो, कहीं से भी पर्सनल प्रेजुडाइसेज आ जाए, व्यक्तिगत भावनाएं उसमें आ जाए, तो मतभेद हो सकती है। इसलिए उनसे ऊपर उठ के ही उस पर ओवरकम किया जा सकता है। क्योंकि बैरियर्स के साथ साथ मैं उसका उपाय भी बताते चल रहा हूँ कि क्या नहीं होना चाहिए। तो एक बेहतर कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। इफेक्टिव का मतलब ही होता है कि
आप उसको सुनने के लिए, उस पर अमल करने के लिए बाध्य हो जाए। आप रेडियो सुनते होंगे, म्यूज़िक सुनते, कुछ भी सुनते होंगे, तो सब आपको आकर्षित नहीं करता है। आकर्षित वो करता है जिसमें इफेक्ट हो, लॉजिक हो या फिर अच्छाई हो। ठीक है, लैक ऑफ फोकस, सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है लैक ऑफ फोकस। ये अगर है प्रॉब्लम तो बैरियर्स हो सकते हैं, वो बहुत बड़ी बाधा का कारण बन सकती है। इसलिए स्टेबिलिटी, फुल फोकस होना बहुत ज़रूरी है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप स्टूडेंट्स बेहतर समझ सकेंगे कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा असर डाले। एक स्पीकर्स होते हैं और एक होते हैं स्टेट्समैन, एक होते हैं ओरेटर। तो स्पीकर आम और ओरेटर में क्या अंतर होता है? स्पीकर जो होता है वो बस बोलते जाता है कुछ भी। ओरेटर वो होते हैं जो पब्लिक के नब्ज को पकड़ते हैं और उनकी भाषा के जहन को पकड़ के और वो बात करते हैं, तो फिर वो पब्लिक जो है वहाँ से उठ नहीं पाते हैं, उनकी बात को सुनना पड़ता है और सुनती है। थैंक यू वेरी मच। कीप ऑन वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग। थैंक यू।